हेलो मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सीएल चौधरी आज आपको लेक्चर नंबर 3 अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की बात करूंगा। इसके पहले मैंने मांग की विश्लेषण की बात की, मांग का नियम की व्याख्या किया और जो इसके पहले वाली वीडियो में जितने भी तटस्थता वक्र की विशेषताएं हैं उसके बारे में भी बताया। तटस्थता वक्र है क्या, किसने दिया, ये सारी चर्चाएं मैंने पिछले वीडियो में किया था। आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, उपभोक्ता का संतुलन अपनी दी हुई आय में, मतलब जितनी उसके पास आय है, तो इसमें देखिए उपभोक्ता का संतुलन अपनी दी हुई आय में अधिकतम संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। दी हुई आय का मतलब बजट रेखा होना चाहिए और अनधिमान वक्र होना चाहिए। तो कहने का मतलब उपभोक्ता संतुलन में वहाँ होगा जहाँ अपनी दी हुई आय में अधिकतम संतुष्टि को प्रदान करेगा। अब जरा समझिए इसे कि अधिकतम संतुष्टि कहाँ मिलेगी, जहाँ पर वो दी हुई आय में अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। मैंने आपसे बताया कि ये मान लीजिए आपकी बजट रेखा है, ये आपकी बजट रेखा है, एक वाई वस्तु है और दूसरा एक्स वस्तु है। अब उपभोक्ता ये बजट रेखा के पे ही देखिए अनधिमान वक्र और तटस्थता वक्र जहाँ एक दूसरे को स्पर्श करेंगे वहीं पे उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो ई पॉइंट पर उपभोक्ता का संतुलन होगा, उपभोक्ता का संतुलन। ध्यान दीजिए, डी पॉइंट पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बजट उसके बजट से बाहर है, उसकी इनकम से बाहर है, इसलिए यहाँ संतुष्ट नहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक वाई की ज़्यादा और एक्स की कोई थोड़ी सी मात्रा प्रयोग कर रहा। तो कहने का मतलब ई बिंदु पर ही उपभोक्ता का संतुलन होगा, यहाँ पे नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे करता तो अपनी बजट से कम व्यय कर रहा है। तो कहने का मतलब उपभोक्ता का संतुलन वहीं पर होगा जहाँ पर बजट रेखा और तटस्थता वक्र रेखा एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, वही बिंदु क्या कहलाएगा, उपभोक्ता का संतुलन कहलाएगा। उपभोक्ता के संतुलन में दो सिद्धांत आते हैं, एक हिक्स का क्षतिपूरक परिवर्तन सिद्धांत, और आगे हम बताएंगे इस्लेस्की का जो अंतर्विध सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि मान लीजिए ये आपका ए बी कि किसी भी व्यक्ति के आय में इतना क्षति परिवर्तन कर दिया जाए कि वो अपने पुराने स्तर पर पुनः आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, किसी भी व्यक्ति की आय में इतना परिवर्तन कर दिया जाए कि वो अपने पुराने स्तर पर पुनः आ सके। तो यहाँ पे ये समझना है कि ये क्षतिपूरक लाइन है, ये क्या है, क्षतिपूरक लाइन है, क्षतिपूरक लाइन है। अब यहाँ पर कीमत प्रभाव में दो प्रभाव हमेशा ऐड होता है, एक प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा जो होता है आय प्रभाव। मतलब कहने का कि यहाँ जरा समझिए कि x1, x2, x3 प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण x की मांग जो होती है x1 से x2, यहाँ से यहाँ किसके कारण मांग होगी, प्रतिस्थापन प्रभाव। अब उसके बाद आय प्रभाव के कारण x2 से x3, ये आय प्रभाव, क्योंकि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव इजिकल टू कीमत प्रभाव होता है। और x1 से x3 ये होगा आपका कीमत प्रभाव। ध्यान से समझिए, कहने का मतलब कि किसी के आय में इतना क्षतिपूरक परिवर्तन कर दिया जाए कि वह अपने पुराने स्तर के उपभोग पर आ जाए,
तो इतना क्षतिपूरक परिवर्तन कर दिया गया जिसमें प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण जो एक्स की मांग हुई वो एक्स वन से एक्स टू हुई, आय प्रभाव के कारण एक्स टू से एक्स थ्री हुई और कीमत प्रभाव के कारण एक्स वन से एक्स टू। इस तरह से कीमत प्रभाव एक्स वन एक्स थ्री है, प्रतिस्थापन प्रभाव एक्स वन से एक्स टू है और आय प्रभाव एक्स थ्री से एक्स टू है। अब हम ये देखेंगे कि किस वस्तुओं में कैसा प्रभाव पड़ता है, तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसे आप लोग बना लीजिए, नोट कर लीजिए, आपसे यही प्रश्न बार बार पूछता है। उसके बाद हम वस्तुओं के संबंध में एक चीज़ और याद रखिए, सेम सिस्टम इलास्टिक में भी है, इलास्टिसिटी में भी यही है, लेकिन अंतर क्या है कि वह ऊंचे अनधिमान पर हो जाता है, बस बाकी यही है। आपसे प्रश्न यही पूछा जाए कि क्षतिपूरक परिवर्तन किसने दिया, अंतर्विध परिवर्तन किसने दिया, तो क्षतिपूरक इन्होंने दिया, अंतर्विध इलास्टिसिटी ने दिया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखिए वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं, कुछ वस्तुएं सामान्य होती हैं और कुछ वस्तुएं हीन निष्कृष्ट होती हैं और कुछ गिफिन होती हैं। वस्तुएं पहली वस्तु सामान्य होती है, सामान्य वस्तु, दूसरी होती है निष्कृष्ट वस्तु, और जो तीसरी होती है गिफिन वस्तु। सामान्य वस्तु में मांग का नियम लागू होता है, किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाती है और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाती है, ये सामान्य वस्तु हो गई। निष्कृष्ट वस्तु में प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाती है और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाती है इसमें भी, और जो गिफिन वस्तु है यहाँ मांग का नियम काम नहीं करता, प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस घटने पर डिमांड घट जाती है। कहने का मतलब सामान्य वस्तु में और निष्कृष्ट वस्तु में दोनों में मांग का नियम काम करेगा, लेकिन गिफिन वस्तु में मांग का नियम काम नहीं करेगा। जरा समझिए इसे, यहाँ पे प्राइस आप देख लीजिए, संसार में कोई भी चीज़, मार्शल ने कहा था कि अन्य बातें कांस्टेंट होने पर, स्थिर होने पर, दुनिया में किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है, ऐसी वस्तु सामान्य हो सकती है। वही नियम यहाँ भी, वही नियम यहाँ भी लागू होता है। तो जरा समझिए, कि यहाँ कीमत और वास्तविक आय में सीधा संबंध, यहाँ विपरीत संबंध, यहाँ विपरीत संबंध होगा। अब इसको हम जरा देखते हैं डायग्राम के माध्यम से कि कैसा प्रभाव होता है, कीमत का प्रभाव कैसा होता है। तो प्रभाव की प्रकृति इधर लिखिए वस्तु में, यहाँ से एक बार हर परीक्षा में एक प्रश्न आता है टीजीटी पीजीटी में, वस्तु में प्रभाव की प्रकृति।
प्रभाव की प्रकृति सामान्य वस्तु दूसरा हीन वस्तु या इसी को निष्कृष्ट वस्तु कहते हैं निष्कृष्ट वस्तु और जो तीसरा आपका है गिफिन वस्तु गिफिन वस्तु। अब इसमें हम देखेंगे कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव अगला जो देखेंगे आय प्रभाव। ध्यान से समझिएगा सामान्य वस्तु है तो कीमत प्रभाव ऋणात्मक होगा निगेटिव प्रतिस्थापन प्रभाव भी ऋणात्मक होगा निगेटिव और आय प्रभाव भी ऋणात्मक होगा निगेटिव। ये याद रखना सामान्य वस्तु में तीनों प्रभाव कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव तीनों ऋणात्मक होता है। हीन वस्तु में कीमत प्रभाव ऋणात्मक होगा निगेटिव प्रतिस्थापन प्रभाव भी ऋणात्मक होगा और आय प्रभाव पॉजिटिव धनात्मक होगा क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है वो लग्जरियस गुड्स की ओर बढ़ता है बाजरे के स्थान पे गेहूं का इस्तेमाल करने लगता है तो वहाँ पे आय प्रभाव पॉजिटिव होता है। अब गिफिन वस्तु में कीमत प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक निगेटिव और आय प्रभाव भी धनात्मक होता है। ध्यान से समझिए गिफिन वस्तु रॉबर्ट गिफिन ने इसे दिया था जैसे जैसे मैंने आपको इसके पहले डायग्राम बता दिया कीमत बढ़ते ही है तो व्यक्ति मांग को बढ़ाता है और कीमत घटती है तो व्यक्ति मांग को घटाता है वहाँ मांग का नियम काम नहीं करता तो कीमत प्रभाव धनात्मक होगा प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होगा और आय प्रभाव भी धनात्मक होगा। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो अभी तक हमने जितनी बात पढ़ाई है उसका रिवीजन करा देते हैं फिर अगली बार अगली वीडियो में हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझाएंगे कि ये कैसे कैसे प्रभाव दिखता है। तो देखिए हमने शुरू किया था व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसमें हमने पहले मांग के सिद्धांत की चर्चा किया मार्शल के नियम की व्याख्या किया फिर मार्शल के नियम के सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात कही फिर उसके बाद हमने तटस्थता वक्र के बारे में आपको बताया और आज की क्लास में हमने आपको ये बताया कि उपभोक्ता को दी गई संतुलन दी गई आय में कैसे संतुलन को प्राप्त करता है और कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव ये सामान्य वस्तु में कैसा होगा निष्कृष्ट वस्तु में कैसा होगा और गिफिन वस्तु में कैसा होगा। अगली वीडियो में हम इसके डायग्राम को बताएंगे और डायग्राम से समझाएंगे। आज की क्लास यहीं तक मित्रों धन्यवाद।